तो भाई बैठे बैठे एक ख्याल आया कि रणवीर ने रेसिपी तो बड़ी सिखा दी। सिखा क्या दी, रणवीर तो मस्ती में खाना बनाता रहता है, सब लोग सीख जाते हैं वो अलग बात है। लेकिन बैठे बैठे एक ख्याल आया कि भाई कहानी को आगे बढ़ाना चाहिए और जेन्युइनली रुक के कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाहिए। तो फिर हमने आपको प्याज काटना सिखाया, सीखा कि नहीं? नहीं तो जाइए देख लीजिए वीडियो। फिर हमने पास्ता बेसिक सिखाए, फिर हमने सिखाया कि एगलेस मेयोनेज कैसे बनाते हैं। फिर ऐसे बहुत सारे बेसिक्स आपके सामने प्रस्तुत किए। वैसे ही एक और बेसिक है जो आज आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं, वो ये कि जी आटा कैसे गूंथते हैं। सुनने में थोड़ा लगता है कि यार इसमें भी कोई बताने वाली बात है? बताने वाली बात है, बहुत सारी बारीकियां हैं। लेकिन एक बारीक से इंट्रोडक्शन वाले म्यूजिक के ऊपर से आपको बगैर स्किप किए मिलना है। फिर शुरू करेंगे पाकशाला। तो भाई आटा गूंदने के लिए आपको चाहिए आटा, ठीक है? तो अब क्या करेंगे, पहले चपाती का आटा सीख लेंगे, फिर पराठे का आटा सीख लेंगे, फिर मठरी का सीख लेंगे, समोसे का सीख लेंगे, नमक पारे का सीख लेंगे। बताइए, सब एक साथ प्रोग्राम जो है वो सेट करवा देंगे आपका आज, टेंशन मत लीजिए, ठीक है? अब घूम फिर के चीजें वही हैं। घूम फिर के हमें चाहिए आटा, पानी और घी या मोइन, ठीक है? अब इन तीन चीजों को कैसे, कब, किस स्टेज पे इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है, कुल मिला के खेल जो है वो वही है, ठीक? ऑल राइट, सबसे पहले चपाती, ठीक है जी? सबसे बेसिक आटा जो है वो चपाती हो गया। तो चपाती के लिए आटा लीजिए, आटे में डालिए थोड़ा नमक और लगभग एक तिहाई पानी है, ठीक है? तो अगर 1 किलो आटा है तो 300 ग्राम पानी, ठीक है? और जब भी आप आटे को गूंथते हैं तो आटे को गूंथते समय हमेशा आटे को दबाया जाता है, और मैं दिखा देता हूँ कैसे। अब यहाँ पर जो है सिर्फ दो चीज़ें हैं, आटा और पानी, राइट? तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि आटे के अंदर कुछ वाटर इनसॉल्युबल चीज़ें होती हैं, कुछ वाटर सॉल्युबल चीज़ें होती हैं, मतलब कुछ पानी में घुलती हैं, कुछ नहीं घुलती हैं। जो पानी में नहीं घुलती हैं वो पानी पी के फूल जाती हैं, जैसे कि ग्लूटेन, और जो पानी में घुलती हैं वो पानी में घुल के ढल जाती हैं, राइट? और वो जो मिक्स है वो मिक्स बहुत ज़रूरी है, कि कितना घुलना चाहिए और कितना ढलना चाहिए उसकी समझ बहुत ज़रूरी है, राइट? दूसरा, ये तो गूंध गया आटा। अब इस आटे को अगर थोड़ा नरम करना है तो गूंधने के बाद थोड़ा सा घी डालना है, तो इससे आपकी रोटी या चपाती मुलायम बनेगी। जब भी किसी चीज़ को मुलायम बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग, तो ये समझ लीजिए कि घी डालते हैं। घी मुलायम करने के लिए होता है, उसमें नेचुरल मॉइस्चर होता है, इसलिए नरमी के लिए घी का इस्तेमाल होता है। अगर आप किसी चीज़ को खस्ता करना चाह रहे हैं, जैसे कि हम आगे जाके करेंगे, तो उसमें घी या तेल दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर मुलायम करना है, बाद में डालना है, तो फिर घी। चपाती। अब पराठा। पराठे और चपाती में क्या फर्क होता है? पराठे में दोनों टेक्सचर होते हैं, राइट? पराठे में थोड़ा नरमी होती है अंदर और थोड़ा खस्तापन होता है बाहर। यानी कि अगर नरमी और खस्तापन दोनों चाहिए तो थोड़ा सा घी या तेल पहले और थोड़ा सा घी या तेल बाद में, फर्क सिर्फ इतना है बस। ज़्यादा नहीं मिलाना, बस हल्का सा जो है, थोड़ी सी अजवाइन और सेम वही 25-30% वाटर। और परांठ में जो है उसका मेन मकसद यही होता था कि आप आराम से आटे को फैला के और पानी के साथ मिक्स कर लेते थे, आपको एक बार में ही आइडिया लग जाता था कि पानी और लगेगा कि नहीं। और पराठे का डो जो है कायदे से चपाती से थोड़ा टाइट बनेगा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर लेयरिंग होगी और घी जाएगा तो ये और नरम हो ही जाएगा, तो इसलिए चपाती से थोड़ा सा टाइट। अब अगर पूरी का डो बना रहे हैं तो आप वैसे ही बनाएंगे, इस रोटी का बनाया, पानी कम डालेंगे, यानी कि लगभग 30% वाटर अगर आप रोटी के लिए डाल रहे हैं, 25% पूरी के लिए डालेंगे, बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं है। अगर आपको खस्ता पूरी पसंद है तो आप उसको 50% उसमें घी पहले और 50% घी बाद में डालेंगे, तो आपकी पूरी जो है वो एकदम खस्ता रहेगी, जस्ट लाइक द पराठा, बट द डो हैज़ टू बी टाइट। ईजी, सिंपल, नो रॉकेट साइंस। अब हम और खस्ता डोज की तरफ चलते हैं, दो डो और बनाते हैं। एक तो वो डो जिससे कि आप पापड़ी बना सकते हैं या फिर समोसे बना सकते हैं
या फिर नमक पारे बना सकते हैं, और एक बिल्कुल ही खस्ता डो जो मठरी के लिए, जो बिल्कुल मतलब ऐसे मुंह में डालते ही घुल जाए। ठीक है, तो पहले बनाते हैं पापड़ी, नमक पारे और समोसे का डो। इसके लिए मैदा, कायदे से मैदा ही जाता है। इसे मैं थोड़ा सा आटा मिक्स कर लेता हूँ थोड़ा हेल्दी करने के लिए उसको, थोड़ा नमक, उसके बाद अजवाइन या भुने जीरे का पाउडर या भुना जीरा, कुटी लाल मिर्च, जो आपको डालना है डालिए। ठीक है, उसके बाद इसमें मोइन डाला जाता है। इस केस में आप मोइन डालते हैं, अगर आप एक कप मैदा या आटा ले रहे हैं या आटे मैदे का मिक्सचर ले रहे हैं, उसके अंदर आप ये समझ लीजिए कि मात्र 2 टेबलस्पून या 1.5 टेबलस्पून मोइन जाएगा बस, यानी कि 2 कप में 1/4 कप, 1/8 जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, और इसको अच्छे से मिलाना है। अब यहाँ पर आप चाहें तो तेल भी यूज़ कर सकते हैं। वो क्या है ना कि खस्तेपन के लिए तेल और घी जो है लगभग एक जैसा काम करते हैं, लेकिन नरम मुलायमपन के लिए घी घी है, मतलब घी और बटर है, तेल उनका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप कुछ खस्ता बनाना चाहते हैं मोइन के तौर पे, आप तेल और घी दोनों डाल सकते हैं। जायके के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि घी बेटर। ठीक है, और जैसे जैसे आपका जो डो है वो रिच होता जाएगा, मतलब जैसे जैसे उसमें मोइन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपके गूंधने का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाना चाहिए पानी का। ठीक है, क्योंकि घी है ना वो जमाना है। तो अभी क्या है, ये देखिए, पहले तो ये देख लीजिए, ये बस इसमें मोइन इतना ही डालना है, बस ऐसे ज़ोर से पकड़ेंगे तो बंधने भर का, ये देखिए बंध रहा है ना बस, लेकिन बिल्कुल, ये देखिए बंध रहा है ना लेकिन बिल्कुल हाथ लगाते ही टूट रहा है, देखिए ये देख रहे हैं, बस ये समझ लीजिए स्टेज। अब मैं ठंडा पानी क्यों ले रहा हूँ वो कहानी भी जो है वो सॉल्व कर देता हूँ। देखिए ठंडे पानी में क्या होता है कि जो आपने घी डाला हुआ है ना वो जम जाता है, यानी कि आपका पानी अदरवाइज जो है वो ज़्यादा लगेगा, ठंडा पानी जो है वो कम लगता है, डो जल्दी बंध जाता है। और कभी भी आपने कोई भी चीज़ अगर तलनी है तो उसमें पानी आप अगर कम डालेंगे तो सूखी रहेंगे, क्योंकि बाद में तलते समय वो सारा पानी आपको सुखाना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आपको तलने वाला डो बनाना है पापड़ी का, नमक पारे का, जिसमें आपने मोइन लगा लिया है, तो उसके बाद फिर उसमें ठंडा पानी डालिए। ये देखिए अभी डो का टेम्परेचर भी हाई नहीं हुआ और ये देखिए डो जो है वो बंद भी गया। अब अगर किसी भी डो को सबसे ज़्यादा रेस्ट करने देने की ज़रूरत है तो वो इस डो को है, क्योंकि रिच डो है ना, रिच मतलब अमीर नहीं रिच मतलब इसमें घी दूध मक्खन ज़्यादा है ना, वो रिच, रईसियत वो होती है तो रिच डो को ज़्यादा रेस्ट करना पड़ता है क्योंकि उसमें पानी कम है। जिस डो में जितना ज़्यादा पानी होगा उसको उतना कम रेस्ट करना पड़ेगा, इस डो में पानी कम है तो इस वजह से इसको रेस्टिंग की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। ठीक है, ये लीजिए, अब बनाते हैं एकदम खस्ता डो जो है मठरी का। अब एकदम खस्ता डो में मैं 2 चीज़ें और ऐड करूँगा, थोड़ी सूजी और थोड़ा सा बेसन। मैदा मेजर तो मैदे का ही काम है, क्यों? क्योंकि टेक्सचर जो है ना वो मैदे से ही आता है। थोड़ा आटा, रवा बारीक पिसा हुआ, और बिल्कुल थोड़ा सा बेसन, किसी को पता नहीं चलना ये बेसन है उसके अंदर। तो यूँ समझ लीजिए मैंने 1 कप मैदा लिया है, 1 कप मैदे के अंदर 1/3 कप आटा डाला है, उसके अंदर 1 टेबलस्पून रवा डाला है और 1 टीस्पून बेसन डाला है, थोड़ा सा काली मिर्च, भाई मठरी में काली मिर्च तो जानी चाहिए ना, और पिछली बार हमने क्या बोला था कि 1/8 भाग मोइन, यानी कि अगर आप 2 कप टोटल मिक्सचर ले रहे हैं तो 2 कप में आप इस्तेमाल करेंगे 1/4 कप मोइन। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं 20% तक मोइन, यानी कि अगर आप 200 ग्राम ले रहे हैं तो उसमें आप 40 ग्राम तक डाल सकते हैं, बेसिकली डबल कर सकते हैं आप उसको। 30% मत करिएगा फिर वो संभलता नहीं है। ये देखिए ये ज़्यादा दरदरा है, ये देखिए ये ज़्यादा आसानी से और जल्दी बंधेगा, ये देखिए। अब जैसे केक्स हैं राइट, केक और ब्रेड में क्या फ़र्क होता है? ब्रेड जो है वो लचीली होती है, यानी कि वो ग्लूटेन पे बेस्ड होती है, और केक्स जो हैं वो क्रम्बली होते हैं, कुकीज़ क्रम्बली होती हैं, यानी कि वो शॉर्टनिंग पे मोइन पे बेस्ड है।
बस यही फर्क। जब लचीलापन चाहिए, पानी की स्टीम चाहिए, जाला बनना चाहिए, तब ग्लूटेन बनाएं, यानी कि शॉर्टनिंग या मोइन ना डालें। और जब खस्तापन चाहिए, रिचनेस चाहिए, तब मोइन डालें और ग्लूटेन ना बनने दें। बस सिंपल हो गया ना ग्लूटेन से मुलाकात। बस ये ग्लूटेन की कहानी समझ लीजिए, बड़ा शरारती है ग्लूटेन, बचपन से ही बड़ा शरारती है। अब देखिए, आपको जो समझना है वो ये है कि जो रिच डोज है ना, दे नीड टू बी रेस्टेड मोर, क्योंकि उनके अंदर शॉर्टनिंग ज़्यादा है। और दूसरा, जब रवा होता है तो रवे को ढलने में ज़्यादा वक्त लगता है, रवा मोटा होता है ना, आटा मैदा बारीक होता है, तो इसलिए जब रवा पड़ जाता है तो वैसे भी डो को रेस्ट ज़्यादा करना पड़ता है। जैसे पानी पूरी के लिए आप डो बनाते हैं या फिर रवे वाला कोई भी डो बनाते हैं, तो उसको एनी वेज ज़्यादा रेस्ट करना पड़ता है, बिकॉज रवा पानी सोखने में वक्त लेता है। हाइड्रेशन जो है वो इज़ द नेम ऑफ द गेम, दैट्स अबाउट इट। ठीक है जी, सब बता दिया मैंने, सब कुछ। कोई भी आटा गूंदना हो तो आप ऐसे सामने मैदान में जाकर खड़े हो जाएंगे और कहेंगे रणवीर ने बताया है, लाओ क्या गूंद रहा है, करेंगे ना। मतलब अभी क्या, एक मिक्सचर बना रहा हूँ मैं, इक्वल क्वांटिटी ऑफ मैदा और घी। आप चाहें तो तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सब लोग बोलते हैं रणवीर हमेशा घी घी करता रहता है, मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है घी लेकिन आप चाहें तो तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, ऐसा पेस्ट बनाना है। ये देखिए, अब उठाते हैं अपना समोसे वाला डो, जिससे कि आप समोसे, नमक पारे, निमकी कुछ भी बना सकते हैं, और बाकियों को देते हैं ढक। और अब इस डो को लेना है बेल एकदम बारीक बारीक। देखिए अभी क्या है ना, ये डो में हमने पानी कम डाला है, क्यों? क्योंकि हमने ठंडा पानी यूज़ किया, ठंडे पानी की वजह से वो बंद गया, राइट? इसलिए ये देखिए, इतना खस्ता होने के बावजूद ये जो है लचीला भी है और इसमें स्ट्रेंथ भी है और बहुत लूज़ भी नहीं है। बस यही है ट्रिक, इसकी मोनोपोली यही है जी। अच्छे से ये जो हमने मिक्सचर बनाया ना आटे का और घी का, इसको हमने लगा लिया अच्छे से, जो मिक्सचर हमने बनाया है आटे का और घी का, उसको लगा के और उसके बाद फिर इसको कर दिया रोल। ये देखिए, इसके हमने काट लिए पेड़े। ये देखिए, इसके बीच में पिनव्हील बन रहा है ना, बस वो पिनव्हील बनाना है। उसके बाद ऐसे करके दबा देना है। अभी देखिए, मीडियम ऑयल लेकिन स्लो फ्लेम, तेल को एक बार गर्म कर लीजिए। तेल को गर्म करेंगे ना तो तेल जो है वो पिएगा नहीं, आप जो कुछ भी फ्राई कर रहे हैं, इफ़ यू स्टार्ट विद मीडियम हॉट एंड देन ब्रिंग इट डाउन टू मीडियम, वो तेल नहीं पिएगा। वरना क्या है, आप धीमे तेल पे धीरे धीरे शुरू करेंगे, आप जो कुछ भी बनाने जाएंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ तेल की स्मेल आएगी और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं, रणवीर ने बताया था। शुरू करिए थोड़ा हाई पे और फिर नीचे ले आइए, उसको क्रस्ट बन जाती है ना, फिर उसके अंदर तेल नहीं घुसता। जितना पतला आप करना चाहें कर सकते हैं, है ना, बट ओनली एज थिन एज यू कैन हैंडल। और देखिए यहाँ पे मैं सूखा आटा, सूखा मैदा बिल्कुल नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी वो मेरा तेल खराब होने के लिए थोड़ा सूखा मैदा मैंने डाला हुआ है घी के अंदर, और सूखा मैदा नहीं लगाऊंगा मैं। घी वाली चीज़ में वैसे सूखा मैदे का इस्तेमाल बहुत कम होता है। भैया काली मिर्च वाला टंटा जो है ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, ठीक है। अब इसमें जो है ना, वो जो मेरी प्रॉब्लम मैं बोल रहा था ना, वो ये है कि ये आटा जो है ना, जो मैदा है, उसकी वजह से तेल गंदा हो जाता है। अब क्या करना पड़ेगा, इस तेल को छोड़ना पड़ेगा, फिर जब इसमें नीचे मैदा बैठ जाएगा फिर तेल रीयूज़ कर सकते हैं। दैट्स माय ओनली प्रॉब्लम विद दिस, अदरवाइज़ फैंटास्टिक आइडिया है ये घी और मैदे का घोल बनाने का। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इनके बुलबुले देखते रहें, ठीक है। जब तक इसके अंदर से बुलबुले निकल रहे हैं, इसका मतलब इसके अंदर मॉइस्चर है। जब तक इसके अंदर मॉइस्चर है, इसका मतलब अंदर तक ये पका नहीं है। ये देखिए, ये इसे खोलेंगे तो अंदर तक खस्ता है, पका हुआ है, और वो जो चारों तहें थी उन्होंने एक दूसरे को छोड़ दिया है।
और जैसे आजकल लोग इंटरनेट पे रेसिपी को पता है कैसे बेचा जाता है, ऐसे माइक को पास लाया जाता है और फिर ऐसे करके आवाज़ निकाली जाती है और यूं दिखाया जाता है और बोला जाता है देखिए कितना खस्ता है ये, देखिए हलवाई जैसा खस्ता। देखिए दो समझ में आया, मैदे से दोस्ती हो गई, आटे से दोस्ती हो गई, चपाती पराठा मटरी समोसा बन जाएगा ना, बस बाकी ये आवाज वूज तो निकलती रहेगी साहब। सब्सक्राइब कर दीजिएगा वरना मैं आवाज निकालना बंद कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव।